हे गाइस, माय नेम इज नमन एंड वेलकम बैक टू techpressgadgets.com। तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पबजी को लेके काफी ज्यादा सीरियस हैं और अपने पबजी गेम को जो है एक तरीके से प्रो लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। और मार्केट में हमें बहुत सारी एसेसरीज पबजी से रिलेटेड मिल जाती है, चाहे वो गेम पैड हो, ग्लव्स हो, थम्स के लिए ईयरफोन्स हो, हेडफोन्स हो, हर तरीके की एसेसरीज हमें देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्लेक्सटोन की तरफ से एक वायर्ड ईयरफोन। ये एक गेमिंग ईयरफोन है, नॉर्मल ईयरफोन नहीं है, डेडिकेटेड गेमिंग के लिए बना है। स्पेशली पबजी, सीओडी, इनके लिए जो है इन ईयरफोन्स को बनाया गया है और सिर्फ ₹1000 की प्राइस रेंज में हमें ये मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका रिव्यू करने वाले हैं और मैं आप लोगों को जो है पबजी खेल के बताने वाला हूं कि इसको यूज करके सच में कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। वही साइड बाय साइड कंपैरिजन करूंगा नॉर्मल ईयरफोन के साथ में कि भाई क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है, वो सब कुछ जो है मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो पे आप लोग बने रहिए। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो गाइस, कुछ इस तरीके का बॉक्स हमें देखने को मिलता है। सामने की तरफ प्लेक्सटोन लिखा हुआ है, वहीं नीचे जो है इसका मॉडल नेम लिखा हुआ है। इसको आप जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, यहां पे आपको कैरी बैग देखने को मिल जाता है, इसी के अंदर ईयरफोन्स और बाकी की एसेसरीज रखी हुई है। और कैरी बैग की क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लगी है, थोड़ी रॉ टाइप का जो मटेरियल है इसमें यूज किया गया है। अब जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहां पे कनेक्टर देखने को मिलता है। तो यहां पे आपको 2-in-1 वाला जो है ऑक्स कनेक्टर मिल रहा है। जो गेमर्स हैं उनको पता हो कि भाई इस 2-in-1 ऑक्स कनेक्टर की काफी ज्यादा वैल्यू है। तो इसमें जो है आपको डेडिकेटेड माइक के लिए ऑक्स दिया है, दूसरा साउंड के लिए दिया है। तो अगर आप कंप्यूटर वगैरह में गेम खेल रहे हैं तो आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। तो अब जल्दी से हम ईयरफोन को बाहर निकालते हैं। तो गाइस, कुछ इस तरीके का ईयरफोन हमें देखने को मिल जाता है। और जो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस की है ईयरफोन्स में वो ये कि भाई यहाँ पे आपको मैग्नेटिक लॉक मिलता है। यस, आपको वायर्ड ईयरफोन में भी मैग्नेटिक लॉक देखने को मिल जाता है। और इनकी जो ईयर टिप्स की क्वालिटी है वो भी मुझे थोड़ी सी रॉ लग रही है देखने में, अच्छी क्वालिटी है, थोड़ा हैवी सा जो है ईयरफोन्स ये लग रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको गोल्ड प्लेटेड वाली डिजाइन मिल रही है, ऑब्वियसली ओरिजिनल गोल्ड नहीं है, बस यहाँ पे आपको डिजाइन दी है। दोनों ईयर टिप्स में आपको अलग अलग कलर मिल जाते हैं, यानी कि एक साइड ब्लू और एक साइड रेड। उसके साथ साथ इनका जो वायर है वो भी काफी बड़ा है, अच्छी खासी लेंथ जो है इसकी दी गई है। ट्रांसपेरेंट सा जो है हमें वायर देखने को मिल जाता है, अंदर के जो वायर है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ इसका जो कंट्रोलर है उसमें आपको थोड़ी सी यूनिक चीज देखने को मिलती है। आई नो पहले आपने ऐसी देखी होगी, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी गेमिंग ईयरफोन्स या हेडफोन्स होते हैं उन सभी में कुछ इस तरीके के जो है हमें कंट्रोलर देखने को मिलते हैं। यानी कि वॉल्यूम के लिए आपको यहाँ पे स्लाइडर मिल रहा है, तो आप स्लाइड अप करेंगे तो वॉल्यूम अप होगी और स्लाइड डाउन करेंगे तो वॉल्यूम जो है कम हो जाएगी। वहीं पे आपको जो ये कनेक्टर मिल रहा है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी का मुझे ये लग रहा है, क्योंकि एल शेप का कनेक्टर जो है इसमें दिया गया है। और इसका जो साइड वाली रबर है वो भी बढ़िया मुझे लग रही है। जल्दी से हम इन ईयरफोन्स का गेमिंग टेस्ट करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि भाई कितना क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन भी करूंगा नॉर्मल ईयरफोन के साथ भी, जिससे हमें पता पड़ेगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस गेमिंग ईयरफोन्स और नॉर्मल ईयरफोन्स में होता है। वैसे मैंने ईयरफोन्स को लगा लिया है और गेम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, वो ये कि भाई मैं कोई प्रो गेमर नहीं हूं, मैं ठीक ठाक ही खेलता हूं। ईयरफोन्स पर साउंड जो है आना चालू हो चुका है, तो अभी मैं यहीं पे थोड़ा सा अपना गन वगैरह शूट करके देख लेता हूँ और थोड़ा साउंड का मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहला फर्स्ट इम्प्रेशन कि कुछ चेंजेस है या नहीं है। वॉल्यूम को पूरा फुल कर देता हूँ। तो गाइज, मैंने पहले नॉर्मल ईयरफोन के साथ जो है पबजी खेल रखा है, तो मुझे थोड़ा सा जो चेंजेस तो लग रहे हैं अभी और देख लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे साउंड में जो है थोड़ा सा बेस मुझे ज़्यादा लग रहा है, लाइक जब मैं शूट वगैरह कर रहा हूँ तो गन की आवाज़ में थोड़ा बेस जो है काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे बॉम्ब की आवाज आई है, काफी अच्छे तरीके से बॉम्ब की आवाज आई थी। किसी ने यहाँ पे ग्रेनेड फेंका था तो उसकी आवाज जो है काफी बेहतरीन मुझे लगी थी। तो गाइस, अभी साउंड की क्वालिटी मुझे अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि लाउडनेस इतनी कोई ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल जब ईयरफोन्स लगाता हूँ तो उसमें लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बेस जो है इसमें बिल्कुल सॉफ्ट वाला जो बेस होता है जब कोई भी गन वगैरह चल रही है तो उसमें भी जो बेस की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और इम्प्रूव लग रही है। मेरे को पहले समझ नहीं आया था कि भाई इतना क्या ज़्यादा चेंजेस होंगे, बट चेंजेस जो है मुझे समझ में आ रहे हैं अब धीरे धीरे।
तो अब मैं एक गेम अपने नॉर्मल ईयरफोन को लगा के खेल के दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे जो है डिफरेंस मुझे क्लियरली समझ में आ गया है गाइस, जैसे ही मैंने गन शूट करी वैसे ही मुझे डिफरेंस क्लियरली समझ में आ रहा है कि इनमें जो बेस आ रहा है गन जब भी मैं शूट कर रहा हूँ वो इतना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है एज़ कम्पेयर टू जो मैंने गेमिंग ईयरफोन किए थे उसमें जो बेस की क्वालिटी थी वो थोड़ी सी सॉफ्ट थी, जिसके कारण हम जो है लॉन्ग टाइम के लिए गेम को खेल सकते हैं, लेकिन इसको लगा के मैं ज़्यादा देर तक नहीं खेल सकता हूँ, ये तो है। तो डिफरेंस तो है भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे देखने को मिला, मैंने इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी थी कि इतनी ज़्यादा कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब मैं इन ईयरफोन को लगा के म्यूज़िक टेस्टिंग भी करके देख लेता हूँ, क्योंकि हम ईयरफोन सिर्फ गेमिंग के लिए यूज़ ही नहीं करते हैं। तो गाइस गेमिंग के लिए तो ये मेरे को अच्छे लगे हैं। अब मैं यहाँ पे सॉन्ग को प्ले करता हूँ। तो गाइस इसकी साउंड क्वालिटी थोड़ी सी लो है, लाउडनेस नहीं थी जैसे मैंने गेमिंग के टाइम पे भी बताया था, तो म्यूज़िक में भी आपको इतनी कोई ज़्यादा लाउडनेस नहीं देखने को मिलेगी। बेस जो है इसमें सॉफ्ट बेस है, बिल्कुल हार्ड टाइप के बेस होते हैं, उस तरीके का बेस नहीं है। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप इन ईयरफोन्स को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इनको परचेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोग पबजी के लिए एक अलग से डेडिकेटेड गेमिंग ईयरफोन को परचेस करेंगे या नहीं करेंगे, जाके कमेंट करो मुझे बताओ। और उसके साथ साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दो, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मैं आप तक लेकर आता रहूं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।